मंदिर हनुमान किला हनुमान धाम के इस पावन मंच का शुभारंभ करने जा रहे हैं। मेरे बजाकर सभी लोग फीता काटकर नगर पालिका अध्यक्ष के चेयरमैन आदरणीय अरविंद शंकर जी ने फीता काटकर राज के नाम मेला महोत्सव का शुभारंभ किया। और आइए देवे आदरणीय अरविंद शंकर क्या बात है। जब जब भी जो कोई जाता बार में तो निश्चित रूप से वो सभी की फरियाद सुनते हैं और सभी की मनोकामना पूरी करते हैं। भगवान ने उनकी भी मनोकामना पूरी और यह अवसर भगवान ने प्रकृति ने उनको प्रदान किया है। मैं उनका इस पावन मंच पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। अपने पुत्र के साथ आपके करकंदों से एक गरिमामय इतिहास रहा है इस मंच का, जिस मंच का आप उद्घाटन करने जा रहे हैं। लगभग 54 वर्षों का एक गौरवमयी गरिमामय इतिहास रहा है। बड़े बड़े व्यक्तित्व ने आकर मंदिर हनुमान के हनुमान धाम के इस मंच का इसका अरविंद शंकर जी को यह किस्मत की चिन्ह जो बात इन्होंने कही है पिताजी के संबंध में, एक बात छोड़ कह तो दी लेकिन वो बताने में शादी निशा गए। ढोल हाथ में और पूरे बाजार में पूरे शहर में घूम कर ये मुनादी करना कल भगवान राम का यात्रा निकलेगी, शोभा यात्रा निकलेगी, सब उसका स्वागत करें और सुरक्षा के कभी पीछे हम लटक कर चलते थे, कभी उसके ऊपर बैठ कर चलते थे। हम तीन चार भाई उन्होंने हुआ करते थे, उसके बाद तो छठ हुए, जब छठे हुए तब तक तो उन्होंने ये रोल बंद हो गया। हाँ लेकिन हम सारे भाइयों ने उस रिक्शा को धक्का भी लगाया है, उस रिक्शा के पीछे लटक कर भी चले हैं, उसके ऊपर भी बैठ कर चले हैं। पिताजी हमेशा पैदल चलते थे, कई बार रामलीला कमेटी ऊंट का इंतजाम कर देती थी तो ऊंट पर भी गए हैं, अन्य भी कई बार रथ का भी इंतजाम कर देती थी तो रथ पे भी गए हैं। ऐसे पिता जिन्होंने इस भूमि जो बताया इसकी मात्र संस्था श्री पाल संकीर्तन मंडल, उसके कीर्तन हमने देखे हैं। आज की पीढ़ी ने तो नहीं देखे होंगे जो 30 साल के 32 साल के हैं, हमने वो संकीर्तन देखे हैं। घर घर में कीर्तन होते थे और उसकी अर्निंग मंदिर में लगाने के लिए ही कीर्तन होते थे। आज इतना भव्य समूह परमादरणीय श्री ओम कुमार जी द्विवेदी जी के सानिध्य में ये भव्य स्वरूप, उनके जाने के बाद भी और भव्य हुआ है लेकिन इसकी जो भव्यता वो देकर गए हैं उनको मैं आज इस धरती पर नमन करता हूँ। उनके सपुत्र हमारे वर्तमान प्रधान जी द्विवेदी जी को भी मैं इसके लिए बहुत ही सराहना करता हूँ कि वाकई वाकई आपने उनके पद चिन्ह में चलते हुए सर्वोत्तम कार्य किया है। लाला त्रिलोक चंद जी जो मुझसे बहुत ही प्रेम करते थे, हमेशा करते थे, इनके सुपुत्र श्री राजीव जी जो मेरे सहपाठी भी हैं, हम दोनों ने एक साथ क्लास पास किए 12वीं तक।